नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा चावला हूं और पटेल हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। आज हम बात करेंगे औरतों में होने वाले एक बहुत कॉमन कैंसर के बारे में, जो कि है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं। ये ज़्यादातर 30 साल से लेकर 60 साल की औरतों में बहुत कॉमनली देखा जाता है। औरतों में होने वाले सारे कैंसर में से 6 से 29% कैंसर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। ये औरतों में सबसे कॉमन होने वाला दूसरा कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा कैंसर जो हम आम तौर पर मरीजों में देखते हैं वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। करीबन साल भर में 1 लाख से ऊपर महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं और 60,000 से ऊपर महिलाओं की इसके कारण डेथ हो जाती है। कि इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है कि हर 8 मिनट में बच्चेदानी के मुँह के कैंसर से एक महिला की डेथ होती है। अगर ये पूछा जाए कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, आमतौर पर ये किन महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, सबसे बड़ी बात तो आपको जानकर के जो हैरानी होगी वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इसमें एक वायरल इन्फेक्शन है जिसको HPV कहते हैं। एक वायरस है जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा होता है। बहुत सारी महिलाएं जिसमें कि ये कैंसर होता है, अगर हम टेस्ट करें तो उसमें वो वायरस पाया जाएगा। इसमें दूसरा जो रिस्क फैक्टर है, मल्टीपल पार्टनर्स होना, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ संबंध होना। अगर हस्बैंड का भी बहुत सारे लोगों के साथ संबंध है तो भी ये कैंसर आमतौर पर महिलाओं में पाया जाता है। अगर हाइजीन लोग नहीं मेंटेन करते तो भी ये पाया जाता है। पुअर इकोनॉमिक स्टेटस में ये ज़्यादा पाया जाता है, मतलब कि झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों में रहने में या पुअर इकोनॉमिक स्टेटस में जहाँ पर लोग हाइजीन या साफ़ सफाई नहीं मेंटेन करते उसमें पाया जाता है। बहुत सारी प्रेगनेंसीज जिसमें हो चुकी हों उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यानी कि संभोग की जो एज है वो जल्दी शुरू हो जाए उनमें ये पाया जाता है। स्मोकिंग से भी इसका रिस्क फैक्टर बढ़ता है और जिनमें HIV या एड्स पहले से हो उसमें भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। हमसे आमतौर पर पूछा जाता है कि इसकी प्रिवेंशन या जल्दी रोकथाम कैसे की जा सकती है। ये एक कैंसर है जो कि बहुत हद तक प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल मतलब कि अर्ली स्टेजेस में भी पकड़ा जा सकता है और इसका बचाव भी जल्दी किया जा सकता है। एक बहुत सिंपल और बहुत कम खर्चे वाला टेस्ट होता है जिसको कि हम पैप्समियर कहते हैं। जैसे कि एक आम औरत का चेकअप किया जाता है, उसमें जब हम चेकअप करते हैं तो बच्चेदानी के मुँह से पानी का टेस्ट करते हैं और उसका चेकअप करते हैं और देखते हैं कि उसमें कोई खराब सेल तो नहीं हमें पाए जा रहे। और एक और टेस्ट है जो कि कोल्पोस्कोपी का टेस्ट होता है, जिससे कि हम बच्चेदानी को दूरबीन से जांच लेते हैं। मान लीजिए कि ये टेस्ट करते हुए हमें कोई शक वाला एरिया लगता है जहां हमें लगता है कि कोई कैंसर बन रहा है, फिर हम उसकी बायोप्सी या आगे पीस टेस्ट कर लेते हैं। आमतौर पर कौन से लक्षण होंगे जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हर महीने महिला को महावारी तो आती ही है। अगर वो महावारी नॉर्मल से अलग हो, हटके हो, कि इतनी ज़्यादा हैवी है कि आपको 4 से 5, 5 से 6 पैड बदलने पड़ रहे हैं, बहुत हैवी पीरियड्स हैं, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पीरियड के अलावा भी आपको अनियमित तौर से बीच में ब्लड पड़ रहा है बच्चेदानी के रास्ते, तो भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक बार ही किसी का महीना बंद हो चुका है, मतलब कि मीनोपॉज आ चुका है, उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी डॉक्टरी जांच हो जानी चाहिए। बच्चेदानी के रास्ते कोई भी गंदे रंग का पानी पड़ना या बदबूदार पानी पड़ना, वो भी कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। पेशाब करने वक्त खून आना या पेशाब करने वक्त दर्द होना, वो भी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के निशान हो सकते हैं। और सबसे ज़रूरी एक लक्षण होता है कि जब पति पत्नी आपस में मिलते हैं या संभोग के दौरान ब्लीडिंग होना, वो भी कैंसर के शुरुआती निशान हो सकते हैं। पहले मैंने जैसे आपको बताया कि अगर पैप्समियर का टेस्ट या कोल्पोस्कोपी का टेस्ट करते हैं और उसमें हमारे शक में कोई एरिया आता है जिसमें हमें लगता है कि कैंसर के सेल बन सकते हैं, तो हम वहाँ से छोटा सा एक पीस टेस्ट लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि हमें पक्के तौर पर पता चल जाता है कि पेशेंट के अंदर कैंसर के सेल बन रहे हैं कि नहीं। एक बार ही पक्का पता चल जाए कि कैंसर के सेल बन रहे हैं, फिर हमें कुछ और टेस्ट भी करने पड़ते हैं, जैसे कि CT स्कैन है
या MRI है, छाती का एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है और कई बार हमें दूरबीन के रास्ते, लेटरिन के रास्ते की जांच या पेशाब के रास्ते की जांच भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये बच्चेदानी के बिल्कुल साथ पड़े होते हैं और हमें देखना पड़ता है कि कैंसर उनके रास्ते तो नहीं फैल रहा। ये भी डायग्नोसिस बनने के बाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार हम स्टेज बनाएंगे कि कैंसर कौन सी स्टेज में पड़ा है, तभी हम उसका आगे इलाज कर पाएंगे। बच्चेदानी के कैंसर जो होता है उसकी आमतौर पर 4 स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेज होती है उसमें कैंसर सिर्फ बच्चेदानी को ही सीमित रहता है। जो दूसरी स्टेज होती है उसमें भी वो बच्चेदानी को ही सीमित रहता है, आसपास के चूल्हे की दीवारों को वो पकड़ने लगता है पर पूरी तरह से चिपका नहीं होता। तीसरी स्टेज में वो आसपास के चूल्हे की दीवारों को बिल्कुल पकड़ चुका होता है और मसाने और लेटरिन के रास्ते की तरफ भी जाना शुरू कर देता है। और चौथी स्टेज में तो वो अपनी जगह से निकलकर बाकी जगहों में भी फैलना शुरू कर देता है। हर स्टेज का इलाज भी फ़र्क है और हर स्टेज में पेशेंट के ठीक होने की संभावना भी फ़र्क है। अगर पेशेंट हमारे पास पहली स्टेज में आ जाए तो करीबन 90 से 95 तक मरीज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पहली स्टेज में आमतौर पे हम सर्जरी कर भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, और अगर पहली स्टेज में सर्जरी पूर्णता हो जाए तो आमतौर पे पेशेंट को सर्जरी के बाद शायद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दूसरी स्टेज में या तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं, इसके साथ हम बच्चेदानी और अंडेदानी निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा ट्रीटमेंट भी संभव है जिसको कि हम किरणों के साथ इलाज या रेडिएशन कहते हैं, वो हम करते हैं जिसमें कि करीबन 5.5 हफ्ते के लिए एक्सरे से इलाज किया जाता है। हर हफ्ते साथ में टीके दिए जाते हैं और उसके बाद अंदरूनी सेका भी दिया जाता है। दोनों ट्रीटमेंट में से आमतौर पर एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी स्टेज में चाहे हम सर्जरी कराएं, चाहे हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन करें, रिजल्ट दोनों के सेम ही हैं। आमतौर पर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी सर्जरी कर दो, उसमें रिजल्ट बेटर होंगे, बट ऐसा नहीं है। उस वक्त हमें पेशेंट की कंडीशन देखनी पड़ती है कि वो किस ट्रीटमेंट के ज़्यादा लायक है। तीसरी स्टेज में जो आपके पास ट्रीटमेंट की ऑप्शन रह जाती है वो आमतौर पर टीके लगवाना और रेडिएशन की ऑप्शन होती है, लेकिन उसमें भी 100 मरीजों का अगर हम इलाज करें तो 60 से 65 मरीज ऐसे होंगे जिनको कि लाइफ भर में इस बीमारी के करके दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, रही बात चौथी स्टेज की, उसमें हम पेशेंट को सिम्टम्स से रहित रहने के लिए इलाज करते हैं, जैसे कि अगर उसको दर्द है या ब्लीडिंग हो रही है या पानी पड़ रहा है, केवल हम उसका इलाज कर पाते हैं। चौथी स्टेज में हम बीमारी को पूरी तरह से नहीं ख़त्म कर पाते, लेकिन फिर भी हम पेशेंट को राहत ज़रूर दे सकते हैं। तो इतना तो हर पेशेंट को समझ जाना चाहिए कि कहाँ स्टेज वन में हम 90-95% पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं, और जब हम चौथी स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं तो करीबन 15-20% ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हम इलाज पूरी तरह से कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार इस बात पर जोर डालते हैं कि अगर आपको अपने शरीर में कुछ भी अनियमित लग रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। एक तो ये वाला जो कैंसर है ये बहुत जल्दी स्टेज में पकड़ा जा सकता है, दूसरा अगर वायरस से इन्फेक्शन है तो ये कोई 10-15 दिन में नहीं बन जाता, इसको वायरस से इन्फेक्शन के बाद बनने में कई साल लग जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हिचकिचाहट के कारण औरतें डॉक्टर के पास जाती ही नहीं हैं। दूसरा, इसमें मेरी सलाह होगी कि आपके घर में अगर छोटी बच्चियां हैं, 9 साल से लेकर 16 साल तक के बीच में जो बच्चियां हैं उनको HPV वैक्सीन एक आती है, जो कि जैसे आम हम वैक्सीनेशन बच्चों को लगवाते हैं डिप्थीरिया की, टेटनस की, वैसे ही ये वैक्सीन भी आ गई है जो लड़कियों के लिए है, जिसकी 3 डोजेज लगती हैं, जो कि जैसे आज लगी, फिर 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। एक वैक्सीन की कॉस्ट करीबन 2800 से लेकर 3000 तक की है, और मेरा ख्याल से ट्रीटमेंट से तो कहीं सस्ती है जो कि लड़कियों को लग सकती है। अब तो इसकी जो है उम्र की मियाद 45 साल तक बढ़ा दी गई है। सिर्फ ये है कि ये वाली वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं लग सकती, और अगर शादी के बाद ये लगाई जाती है तो फिर पहले हम टेस्ट करते हैं कि ऑलरेडी कीटाणु तो उस महिला में नहीं है, अगर नहीं है कीटाणु तो फिर हम ये वैक्सीन लगा सकते हैं। पर शादी हुए बगैर अगर ये वैक्सीन लग जाए तो उन लड़कियों को इस वैक्सीन का पूरा फ़ायदा मिल सकता है। जगह जगह पर डॉक्टर्स इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, बट आपको खुद को अपने बारे में अवेयर होना और डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो लोगों के आमतौर पर माइंड में आते हैं, कि जैसे मुझे अगर बच्चेदानी का कैंसर है तो क्या मेरी बेटी को ज़रूरी होगा? ऐसा कुछ नहीं है।
क्या बच्चेदानी के कैंसर से मेरे बाल झड़ जाएंगे? बच्चेदानी के कैंसर से बाल नहीं झड़ते हैं, हाँ उसके साथ जो कीमोथेरेपी होती है उसके साथ थोड़े बहुत बाल ज़रूर जाते हैं, बट पूरे बाल नहीं झड़ते और जितने भी उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो सारे टेम्प्ररी होते हैं। क्या बच्चेदानी का कैंसर फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। अगर आप उसका इलाज समय पर नहीं कराएंगे तो वो किसी भी और पार्ट में फैल सकता है। ये सारे कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक किसी के दिमाग में आते हैं। मैंने अपनी तरफ से इस कैंसर के बारे में जो जानकारी आम एक महिला को अपने बारे में इस कैंसर के बारे में होनी चाहिए थी वो दे दी थी। अगर आपको इसके सिवाय भी कोई आपके मन में विचार आता है तो आप इस पर कमेंट्स भी दे सकते हैं और मेरे नीचे लिखे गए फ़ोन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।